और इस पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया है, कोर्ट के ऊपर है, उसे जिम्मेदारी से देखे, ज्ञानवापी मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। बीजेपी 2024 के लिए तैयार कर रही है पृष्ठभूमि, एएसआई सर्वे पर क्यों विश्वास करें, हम उसको मस्जिद मानते हैं। ये शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है। एएसआई सर्वे जारी रहेगा, हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि न्याय के लिए यह जरूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद। सर, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? ये तो बहरहाल ये अपने जो जहां वो ये काम होता है कोर्ट के अंदर, बहरहाल ये तो कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो उसको जिम्मेदारी से देखे। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी अब कोर्ट कर रहा है करेगा, हम अभी इसमें कुछ नहीं बोल लेंगे, ना कुछ कह रहे हैं। ये कोर्ट का मामला, कोर्ट जाने, या हमें फिर बाद में क्या करना है ये उनके हालात देखने के बाद में, रिजल्ट सामने आने के बाद में फिर हम कोई बात कहेंगे उसके लिए। लेकिन जो कोर्ट का कहना है कि न्याय के लिए एएसआई सर्वे जरूरी है, तो अब वो तो उनका कहना है, तो उनका कहना अब इस वक्त प्रेस में थोड़ी बताया जाएगा। वो न्याय की बात कर रहे हैं। हाँ, तो न्याय की बातें वो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो बहरहाल अभी तो उनका न्याय का फैसला भी सामने नहीं आया, उनके सामने अभी इलेक्शन खड़ा हुआ है, उस इलेक्शन की तैयारी में वो इधर उधर की बातें करते हैं, कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि मुसलमानों ने, जैसे आदित्य नाथ ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये ऐतिहासिक भूल है जिसको सुधारना चाहिए, वहाँ पे त्रिशूल क्या कर रहा है। हम मुसलमानों से कोई भूल नहीं है, ना मुसलमानों ने इस साइड की कोई भूल की। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि वहाँ पे आखिर में त्रिशूल क्या कर रहा था। भाजपा के नेता अब कह रहे हैं कि वो मंदिर है, उसको मंदिर के दावा ठोक रहे हैं। हाँ, तो यानी मस्जिद में एक जमाना हो गया, हम मालिक है मस्जिद के, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कहना कि साहब ये तो मंदिर है, तो भाई मंदिर कैसे है, बस आज तक कोई इसका हल तो कोई सामने आया नहीं। मस्जिद है, और अगर मस्जिद को आपने ख़त्म भी कर दिया, शरीयत का मसला ये है, वो मस्जिद ही रहेगी। लेकिन क्या एएसआई सर्वे पर आपको विश्वास है कि एएसआई सर्वे यदि होगा तो जो न्याय की बात की जा रही है कहीं ना कहीं सीधे तौर पे खुल करके सामने आएगी? सिर्फ डायरेक्ट सारा ताल्लुक है उसका कोर्ट से है। अब इसमें कोर्ट क्या फैसला देगी, अभी फाइनल फैसला तो उनका बाकी है, तो उसके बाद में हम लोग अपना एएसआई सर्वे पर विश्वास करते हैं। ना विश्वास नहीं करते, कोर्ट के सर्वे, कोर्ट जो कर रहा है, जो हालात बनाए हैं कोर्ट ने, बहरहाल वो क्या फैसला देता है उसके बाद में हम अपनी कोई बात कहेंगे।